नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर 2। और आप देख सकते हैं ये जो घर देख रहे हैं, इस घर में कल चोरी हुई है और कैसे हुई वो भी आपको बताएंगे दिखाएंगे। ये देख सकते हैं लगातार त्यौहार के समय पर चोरियां हुई हैं और आप समझ रहे हैं कि त्यौहार पर लोग अपने गांव जाते हैं और घर जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन पता नहीं होता कि पीछे से चोर हाथ साफ कर जाएंगे। अभी दूसरी खबर दिखा रहे हैं, इससे पहले हमने आपको दिखाई थी सेक्टर 21 डी से दिखाई थी, जहां लोग अपने घर गए हुए थे और पीछे से उनके घर में चोर हाथ साफ कर गए। और ये देख रहे हैं घर, आज हम यहां पहुंचे हैं, यहां भी एक बड़ी चोरी हुई है, वो आपको बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं, नमस्कार बाबू जी, क्या नाम? डीपी सिंह। डीपी सिंह जी हमारे साथ हैं। बाबू जी, कब की घटना है ये, कैसे? ये कल शाम को 4 से 5 बजे के बीच लगभग हुई है। तो शाम को ही? शाम को। रात में नहीं? नहीं, रात में, दिन में हुई, दोपहर के 12 बजे तक तार लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी कॉलोनी है यहाँ और पूरे घर बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद के दिन दहाड़े चोरी कर देते हैं। और बाहर से ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ा है, पहले मेन गेट का ताला तोड़ा है और उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे सामान चोरी किया, क्या क्या ले गए। ये देखें सब कुछ वैसा ही है लेकिन मेन गेट का ताला तोड़ दिया। ये देख रहे हैं ये ताले, आप देख सकते हैं ये ताले पड़े हुए हैं और ये देखें किस तरीके से वो ताले खोलते हैं, ये तोड़ते हैं, उसके बाद इसका ताला तोड़ा है और यहाँ अंदर घुसे हैं। अंदर घुस के आपको बताएंगे, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये कुंडा देख रहे हैं, ये पूरा टेढ़ा हो रखा है, इसका ताला तोड़ा है, उसके बाद घर में अंदर घुसे हैं। और घुसने के बाद यहाँ बाबू जी, यहाँ भी कोई ताला था क्या? अच्छा, ये देखें यहाँ कमरे में अंदर घुसे और अंदर घुसकर जो अलमारियाँ रखी थी इन अलमारियों को पूरा तहस नहस कर दिया, इन अलमारियों के ताले तोड़े, बाहर से लॉक तोड़े, उसके बाद इनके अंदर जो लॉकर होते हैं ये आप देख रहे हैं, ये देखें किस तरह से ये लॉकर आपको नज़र आ रहे हैं, ये लॉकर तोड़े हैं और इन लॉकरों में से सारी ज्वेलरी निकाल कर फरार हो गए। ये देख सकते हैं दोनों अलमारियों के, ये देखें कितनी बुरी तरह से ये लॉकर तोड़े हैं, ये देख रहे हैं जितने लॉकर थे नीचे ऊपर वो सभी लॉकर तोड़कर, और सारा सामान देख रहे हैं आप किस तरह से पूरा सामान बिखेर रखा है। और ये देखें, और जितनी भी ज्वेलरी थी, ये देखें जो ज्वेलरी के जो पर्स थे, जो डिब्बे थे, वो खाली डिब्बे यहाँ फेंक कर चले गए। और ये जो दो मोबाइल, मोबाइल सर यहीं थे बाबू जी? मोबाइल लेके नहीं गए? मोबाइल नहीं छेड़ा उन्होंने। क्या क्या ले गए? कोक कैश ले गए हैं और कुछ सिक्के थे चांदी के वो ले गए हैं, कुछ चांदी की ज्वेलरी थी वो ले गए हैं, सोने की ज्वेलरी थी वो ले गए हैं। अच्छा, कैश कितना? कैश था 8.5 लाख एक था, 8.5 लाख और 2.5 लाख एक था। अच्छा, और जी 6-7 तोले सोना, 6-7 तोले सोना और चांदी वाला, चांदी 1.5 किलो चांदी भी थी, 1.5 किलो, तो मतलब 15-20 लाख का, 10 लाख तो कैश ही हो गए, 10 लाख कैश और 6-7 तोले सोना और उसके बाद चांदी, आप समझ सकते हैं। मोबाइल यहीं थे, मोबाइल नहीं ले गए। और सबसे बड़ी बात ये देखें फरीदाबाद, ये जो अलमारी है, इस अलमारी के दरवाजे पर ये जो कैमरा नज़र आ रहा है आपको, ये कैमरा यहीं टंगा हुआ था, ये कैमरा भी नहीं ले गए, लेकिन पर्स कोई नहीं छोड़े उन्होंने, ना पर्स छोड़े हैं कोई, ना कोई लॉकर छोड़ा है और ना ही अलमारियों के अंदर कोई और चीज़ छोड़ी। ये पूरा सामान देख रहे हैं किस तरह से पूरा बिखेर रखा है, सारा सामान तहस नहस करा हुआ है। ये देखें ये बॉक्स हैं, ज्वेलरी के बॉक्स हैं, और ये जितने भी पर्स हैं वो सारे पर्स खंगाल मारे, और आप समझ सकते हैं। तो बाबू जी क्या लगता है ऐसे कि इतनी बड़ी चोरी है, कैश था तो कहीं लगता है कि कहीं किसी को इसकी पहले से पता हो सकता है, जानकार भी हो सकता है जिसको पहले से पता हो, ये भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे भी आजकल रैकी करते रहते हैं, कौन ताला लगा पड़ा घर पे, कहीं पहले भी वारदात हुई हमारे आसपास, तो ऐसे भी हो सकता है कोई रही कर रहा हो पीछे से, देखा बंद तो वैसे तोड़ दिया हो। कैश कैसे, किसी काम के लिए रखा था कि क्या था? हमारे बिजनेस है तो हमारी कलेक्शन आती है मार्केट से रोज की 10-5 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख ऐसे आते हैं। अब बीच में बैंक बंद थे, कलेक्शन जमा नहीं हो, हाँ तो बैंक बंद थे, कलेक्शन जमा नहीं हो पाई, तो उसमें जो कलेक्शन घर में रखी हुई थी। तो आप कब गए थे? मैं तो सुबह सुबह निकले थे हम लोग, सुबह 4 बजे, 3 तारीख 2 तारीख मतलब ये लगा लो, तो हम निकले यहाँ से 5:30, 2 को निकले हम यहाँ से, 2 को निकले थे। अच्छा,
दोनों यहाँ से निकले हम त्यौहार के लिए, बहन के यहाँ जाना था, तो जैसे हम जा रहे थे रास्ते में पता चला फोन आ गया हमारे पास कि जैसे हो गया पड़ोसियों का, जो भी आए थे ना पड़ोसी, इनका फोन आया कि आपके यहाँ ताला टूटा हुआ है ऐसे ऐसे। हमने इनसे पूछा जाके देखो, देखा तो ना सामान बिखरा हुआ सारा। तो ये वारदात तो हुई हुई है, बता रहे हैं 4 से 5 के बीच में, अब दिन दहाड़े ही कहेंगे इसको, कोई रात का समय नहीं था। हिम्मत देखे आपके बाबू जी, क्या लग रहा है कि कितने लोग होंगे? तो एक आदमी काम तो है नहीं, बिल्कुल ये कम से कम 2-3 आदमी तो जरूर होंगे, 2-3 आदमी जरूर होंगे। एक तो कोई बाहर ही रहता है वो देखने दाखने के लिए, आदमी का काम नहीं है क्योंकि तोड़ फोड़ भी करी है तो एक आदमी नहीं कर सकता। एक आदमी करेगा तो फिर बड़ा, अगर तो वो करेगा जिसको पता कि यहाँ नहीं है बिल्कुल, वही करेगा। तो ऊपर नहीं गए? नहीं ऊपर नहीं गए, ऊपर नहीं गए। सबसे बड़ी बात कि ऊपर भी था, ऊपर भी रह रहे हैं लेकिन ऊपर नहीं गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा है जिसको पता हो अंदर की बात, जानकारी हो कि इनके पास इतना पैसा आता है, रोज की जो कलेक्शन है वो होती है तो ये रखी होती है, और त्यौहार का समय बैंक बंद थे जैसा कि बता रहे हैं, तो इस वजह से बैंक में जमा नहीं कर पाए, नहीं तो वो अपने रोज के रोज बैंक में जमा हो जाते हैं तो शायद इतना कैश ना होता और इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन इससे पता लग रहा है कि जिस तरह से मोबाइल छोड़ के गए हैं, मोबाइल नहीं ले गए कि कहीं मोबाइल से पकड़े ना जाए, दूसरा ये कैमरा देख रहे हैं आप, कैमरा भी छोड़ के गए हैं, ये भी नहीं ले गए, बस कैश, कुछ नहीं कराया, सिर्फ कैश और जो ज्वेलरी वही लेके गए। कुछ उनका फिर कैश पे था सर, जब कैश ही मिल गया इतना तो ज्वेलरी तो अब साथ में और रखी थी, देखिए मिल गई तो उसे लेके चले, बिल्कुल बाकी और कुछ कहीं नहीं किया, नहीं और कुछ नहीं किया। बाबू जी पुलिस में कंप्लेंट, वहाँ पुलिस आई थी, वो वेरिफिकेशन कर गए हैं, अभी सही वाले आ रहे हैं, वो आएंगे फिंगरप्रिंट वगैरह लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कोई सीसीटीवी वगैरह है? नहीं सीसीटीवी नहीं है, है वो थोड़ा पता नहीं कवरेज आ रही नहीं आ रही, वो घर बंद पड़ा हुआ है, अच्छा, उसमें अभी तारा लगा हुआ है, वो छठ पूजा पे गए हुए हैं, वो आएंगे तो पता चलेगा। तो फरीदाबाद सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि उसे भी पता होगा कि यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा है, जैसे हमने सुबह आपको दिखाया था सेक्टर 21D से, वहाँ भी उनके घर के बाहर कोई कैमरा नहीं था और वहाँ 3 फ्लोरों के ताले तोड़े और नीचे कोई नहीं था, लेकिन ऊपर से उनके घर से लगभग 7-8 लाख रुपये का सोना लेकर फरार हो गए। और ऐसा ही मामला ये यहाँ सेक्टर 2 में हुआ है, जहां लोगों चोरों ने ये सारे लॉकर तोड़कर कैश लेकर फरार हो गए, जैसा कि बताया लगभग 10 लाख रुपए कैश और 6-7 तोले सोना था, चांदी थी। और आपको बताते हैं यहाँ भी कैमरा नहीं था, घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, पड़ोस में कहीं है तो वो भी अभी है नहीं, छठ पूजा पे घर गए हैं, आएंगे तो उसमें पता लगेगा कि कौन था, और वो भी जरूरी नहीं है कि फुटेज में आए भी कि नहीं आए सर, ये भी जरूरी नहीं है। कैमरा डायरेक्शन थोड़ा सा आउट है जी, क्या क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? क्या देखिए अगर इस तरह की वारदात होती रही तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम पुलिस को रात को गश्त लगानी चाहिए, कोई इधर गश्त लगाने को ही नहीं आता रात को, ये तो दिन का काम है, रात को छोड़ो सेक्टर की बात है, दिन में कांड हुआ है, दिन में ऐसी वारदात दिन में हो रही है तो फिर बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसीलिए सेक्टरों में पैसा खर्च करके बैंक मकान लेते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि सुरक्षित रह सके, और वहाँ भी सुरक्षित नहीं तो फिर फायदा कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये रात में हुआ होता तो भी समझ में आता है, शाम को 4-5 बजे की बात है, दिन में तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने जान माल की रक्षा करें। ये देख रहे हैं क्योंकि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो रात में नहीं दिन में ही चोरी कर लेते हैं, किसी भी चीज़ का उन्हें कोई डर नहीं है, किसी प्रशासन का शासन का कोई भय नहीं है उन्हें, और जिसके चलते दिन दहाड़े लगभग 4-5 बजे के करीब ये चोरी को अंजाम दिया गया, और एक बड़ी चोरी लगभग 15 से 20 लाख रुपए की चोरी हुई है। तो देखते हैं अब इसमें क्या कार्रवाई होती है, पुलिस इसमें क्या करती है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।